वही खबर धौलपुर से आ रही है, जहां आपको बता दें कि द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाए जाने की खुशी में भाजपा कार्यकर्ताओं ने मिठाई का वितरण किया। गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाए जाने की खुशी में मिष्ठान वितरण किया और झूम झूम कर प्रफुल्लित मन से आतिशबाजी कर खुशी का इजहार किया। और प्रदेश कार्य समिति सदस्य विशंबर दयाल शर्मा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को बनाकर अंत्योदय की विचारधारा को शिखर पहुँचाने का कार्य किया है। भाजपा का यह निर्णय पूरे देश में एक मिसाल बनने का काम कर रहा है और अन्य पार्टियों को कड़े से कड़ा संदेश दे रहा है। कार्यक्रम की इसी कड़ी में जश्न राष्ट्रपति कार्यक्रम के संयोजक अग्निवास प्रधान ने कहा, भारतीय जनता पार्टी वह ऐतिहासिक निर्णय ले रही है जिससे हमारी 2023 और 24 में भारतीय जनता पार्टी रिकॉर्ड मतों से जनता की भावनाओं के साथ जीत का रिकॉर्ड कायम करेगी। इस कड़ी में भाजपा जिला उपाध्यक्ष कमल पहाड़िया ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद अता के साथ देश को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने का महत्वपूर्ण काम कर रही है। इसके उलट कांग्रेस जिन जिन प्रदेशों में सरकार बनाकर बैठी है वहां पर बदले की भावना, झूठ, कुचक्कर, भ्रष्टाचार संलिप्त है। कांग्रेस की विचारधाराओं से रुष्ट होकर प्रत्येक जन भारतीय जनता पार्टी को उसकी विचारधारा से जुड़कर पूर्ण समर्थन दे रहा है या पूर्ण आश्वस्त है कि 2023 में थान में राम राज्य व्याप्त होगा। कार्यक्रम के समापन में सह संयोजक रविन्द्र सिंह हदबारी ने सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया। एक लघु समाज की महिला एक सर्वोच्च पद पर, भारत के सर्वोच्च पद पर पहुंची है, इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और मैं ये मुझे बड़ा गर्व हो रहा है कि आज हमारी एक आदिवासी महिला को और राष्ट्रपति पद के लिए चुना गया, ये हमारे लिए बड़ी गौरव की बात है। मैं उनको बार बार बधाई देता हूँ और ये हमारे पूरी राजनीतिक की और उनकी सबकी सोच ऐसी रही कि इस तरह की महिला का उनका चयन करना और राष्ट्रपति के पद पर पहुंचाना एक बहुत बड़ी बात है। ये उनकी सोच और इनके लिए इतने बड़े काम के लिए बहुत धन्यवाद के पात्र है और इनको बार बार मैं बधाई देता हूँ।